संरक्षक, नाम तो रविंद्र कुमार पाल दारा सिंह के नाम से प्रसिद्ध है। उड़ीसा में उसको पहले फांसी की सजा हुई थी, फिर वो आजीवन कारावास में बदल गया, लेकिन 5 साल से ज्यादा हो चुके अभी भी जेल में बंद है। उसका आजीवन कारावास की सजा पूरे हुए 5 साल से ज्यादा हो चुके, वो गौ रक्षक और धर्म रक्षक, इसके ऊपर प्रकाश डालें। धन्यवाद। अपराध का अंकन और दंड का निर्धारण न्यायालय के विभाग का विषय है। अपराध के अंकन में पुलिस विभाग का बहुत बड़ा योगदान होता है। स्वतंत्र भारत में राजनीतिक दलों का भी गुप्त या प्रकट योगदान होता है। एक पादरी जो कि क्रिश्चियन मिशन की ओर से हिंदुओं को क्रिश्चियन बनाने का व्यापक अभियान चलाए हुए था, उड़ीसा के घोर जंगल में, वहाँ मैं गया हूँ, मेरी सभा भी हुई है लगभग 20 साल पहले। बंद कार में वो पादरी जला दिया गया। अब इस घटना को किसने क्रियान्वित किया, इसका साक्षी मैं तो नहीं हूँ, लेकिन न्यायालय ने जिस व्यक्ति का अपने नाम लिया उसको अपराधी माना और मृत्यु दंड की बात न्यायालय की ओर से आई, जैसा कि आपने कहा। आगे न्यायालय की प्रक्रिया में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई उस व्यक्ति को। अब प्रश्न उठता है कि आपकी दृष्टि में वह व्यक्ति गोभक्त, धर्मनिष्ठ हिंदू, लेकिन शासन तंत्र की जो न्याय प्रणाली है उसमें वह व्यक्ति हत्यारा सिद्ध हुआ। ऐसी स्थिति में मुझे बहुत कुछ मालूम है, क्योंकि एक बार दारा सिंह जी ने घोषणा कर दी थी कि 1 लाख व्यक्तियों की सभा में पुरी के शंकराचार्य जी हमारे व्यक्तियों को संदेश देंगे। मुझे कुछ भी पता नहीं, पूरे उड़ीसा में शासन तंत्र कांप उठा। शंकराचार्य जब अमुक व्यक्ति के 1 लाख व्यक्तियों के बीच में बोलेंगे तो शंकराचार्य के साथ क्या व्यवहार हो, तो शासन तंत्र की स्थिति उस समय कैसी होगी। भुवनेश्वर के बीरो विभाग ने पुरी में जो कैलाश रथ केंद्रीय गुप्तचर विभाग के मुख्य थे उनके पास लगभग रात्रि के 11 बजे फोन किया
कैलाश रथ जी ने कहा कि पुरी के शंकराचार्य से मैं बहुत परिचित हूँ, वे कोई भी कदम उठाते हैं तो बहुत कुछ सोच समझ कर, लेकिन रात्रि के 11 बज चुके हैं, मैं कल उनसे मिल करके वस्तुस्थिति आपको बताऊंगा, लेकिन अपनी ओर से मैं इतना संदेश और संकेत देता हूँ उनको पूछे बिना ही कि उन्होंने इस प्रकार की घोषणा नहीं की होगी। कैलाश राज जी मेरे पास आए, मैंने कहा कि आपके द्वारा ही मुझे ये सूचना मिली, मैं ऐसा कोई भावुकतापूर्ण कदम कभी नहीं उठाता और मेरा वक्तव्य केवल 2 वाक्य का, जो कैलाश रथ को दिया मैंने, वह पूरे उड़ीसा में छा गया। इससे एक संदेश गया कि जिनका नाम लिया उनके व्यक्ति ऐसा भी दुष्प्रचार कर सकते हैं, बस इतना ही मैं जानता हूँ। एक संकेत है, परतंत्र भारत में देशभक्तों को राष्ट्रद्रोही गिना जाता था, अंग्रेजों की दृष्टि में वो राष्ट्रद्रोही थे और फांसी की सजा उनको प्राप्त भी। उनका नाम आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। कुछ ऐसे भी व्यक्ति थे जिनको फांसी की सजा नहीं प्राप्त होती, लेकिन भारत के कर्णधार एक नेता के कहने पर एक दिन पहले प्राप्त हो गई और फांसी की सजा प्राप्त हो गई। उस व्यक्ति का या उन व्यक्ति का मैं नाम नहीं लेना चाहता। सुभाष जी की क्या स्थिति हुई, कहाँ चले गए, आप सब जानते हैं। ये अंग्रेजों के शासनकाल की गाथा है, स्वतंत्र भारत की गाथा सुन लीजिए। तीर्थराज प्रयाग में शिविर लगा हुआ था, श्री राम सेतु को लेकर शासन तंत्र क्या कर रहा है कुछ भी मुझे पता नहीं था। कांग्रेस का शासन केंद्र में था, द्वारका पीठ के मान्य जगत गुरु शंकराचार्य महाभाग का संदेश आया कि मेरे शिविर में एक कार्यक्रम आयोजित है, उसमें जरूर ही आवे, चाहे 1 घंटा के लिए। मैं अन्य कार्यक्रमों को छोड़कर वहाँ पहुँचा, सामने ही उनका शिविर था। वहीं पर चर्चा चल रही थी कि श्री राम सेतु को विखंडित करने के लिए 2 देशी यंत्र क्रम से लगाए गए तो टूट गए, अब विदेश से एक यंत्र मंगवाया गया है, नहर परियोजना को क्रियान्वित करने के लिए श्री राम सेतु को विखंडित कर दिया जाएगा। और शासन तंत्र का कथन है कि मानव निर्मित नहीं, प्राकृतिक यह सेतु। वहीं हमको मालूम पड़ा कि करुणानिधि जी, मनमोहन सिंह जी और देश की मान्या पुत्र वधु सुवर्णा जी, समझ गए होंगे, देश की मान्या पुत्र वधु सुवर्णा जी, संकेत समझ गए। इन तीनों ने उस प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया था, ये सब मुझे कुछ पता नहीं। मुझे बहुत वेदना हुई कि भगवान राम भद्र के द्वारा विनिर्मित सेतु नहर के नाम पर विखंडित कर दिए जाएं तो हमारे जीवन की उपयोगिता क्या है।
वहाँ तो मैं मौन था, कुछ बोला नहीं इस विषय पर। शिविर में आते ही हमने अभियान प्रारंभ किया, चीन की सीमा से लेकर पंढरपुर होते हुए 149 व्यक्तियों के सहित रामेश्वरम पहुंचा। करुणानिधि की पार्टी कांग्रेस से मिलकर केंद्र में शासन चला रही थी। जहाज विभाग का मंत्री टीएन बालू ने इतना कहा कि राम सेतु या सेतु को जो सुरक्षित रखना चाहते हैं, वो राष्ट्र की प्रगति में बाधक हैं, वो राष्ट्रद्रोह का दंड प्राप्त करेंगे। कालका पीठ दिल्ली में मैंने कहा अगर यह भी राष्ट्रद्रोह है तो सबसे पहले मुझे दंड दिया जाए। जब मैं दक्षिण भारत गया तो करुणानिधि का वक्तव्य आया, पूरी के शंकराचार्य राष्ट्रद्रोही हैं, उनको राष्ट्रद्रोह का दंड दिया जाएगा। तो मैं मुस्कुराया, तो रामेश्वरम पहुंच गए। आपको मालूम होगा आज श्री राम सेतु सुरक्षित है, और सुब्रह्मण्य स्वामी जी अभी मिले थे नोएडा में, एक घंटे बात हुई थी। हमने कालका पीठ में ही सुब्रह्मण्य स्वामी जी को बुला के कहा कि हनुमान की भूमिका प्रस्तुत करो। तो मैं केवल इतना संकेत करना चाहता हूँ कि राम सेतु को विखंडित करने वाला तंत्र राष्ट्रभक्त सिद्ध हुआ, और उसकी रक्षा करने के लिए मैंने जो अभियान चलाया, मैं राष्ट्रद्रोही गिना गया। किसी को दंड देने का साहस नहीं हुआ, ये बात दूसरी है। श्रीलंका से मैंने संपर्क साधा, वहाँ पर संभवतः सुग्रीव सेतु कहते हैं श्री राम सेतु, नासा के उपग्रह ने चित्र लिया था। उन दिनों नासा ने घोषित किया था कि मानव निर्मित 17.5 लाख वर्ष प्राचीन सेतु है। अब नासा कहता है कि 5,000 वर्ष प्राचीन है, राजनीति का प्रभाव पड़ता है। बहुत बड़ा षड्यंत्र था, चीन और अमेरिका इन सब से मिल करके सेतु को विखंडित कराने का। तो हमने इतना उत्तर विस्तार पूर्वक इसलिए दिया कि कहीं कहीं सोचने के लिए बाध्य होना पड़ता है कि अगर सेतु की रक्षा करने वाला राष्ट्रद्रोही है और सेतु को विखंडित करने वाला राष्ट्रभक्त है, तो हम कैसे माने कि देश स्वतंत्र है। राष्ट्रपति आदि से मिलना मेरा नहीं होता है, लेकिन श्री राम सेतु की रक्षा की दृष्टि से दिल्ली में कलाम जी जब राष्ट्रपति थे, मैंने अपने व्यक्ति को भिजवा कर समय चाहा। उन्होंने कहा शाम को 6 बजे पर्याप्त समय उनके लिए, जितना वो समय चाहें, शंकराचार्य हो भाग आवे। उनसे बातचीत हुई, उनका अंग्रेजी का वाक्य मैं हिंदी में बोल रहा हूँ। मुसलमान थे, भारत के राष्ट्रपति थे, वैज्ञानिक थे। उन्होंने कहा मेरा तो जन्म स्थान ही श्री रामेश्वरम है, और सेतु के किनारे ही मेरा जन्म स्थान है। अंग्रेजों को यह पता था कि प्रभु, प्रभु शब्द का प्रयोग, प्रभु राम जी के द्वारा बनवाया गया सेतु है, लेकिन अंग्रेजों ने इतना सम्मान प्रभु राम के द्वारा विनिर्मित सेतु को दिया, उन्होंने कभी तोड़ने का किया, उसको छोड़ने का प्रयास नहीं किया। मुझे बहुत खेद है कि स्वतंत्र भारत में प्रभु राम के द्वारा विनिर्मित सेतु को विखंडित करने का अभियान चल रहा है, समझ गए। तो आपने जिस व्यक्ति का नाम लिया, मैंने सारी स्थिति बताई, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री जी ने वक्तव्य दे दिया कि गोरक्षा के नाम पर गुंडे लोग काम कर रहे हैं बहुत से, इससे गो हथियारों के हौसले बुलंद हो गए,
जबकि मेरे पास कंपोज की हुई सामग्री समाचार पत्रों से विधिवत उद्धृत इतनी है। अर्धसैनिक बल मिलिट्री को भी गोहत्यारों ने मारा है, 8-8 की संख्या। 300 गोभक्तों को मार दिया कसाईयों ने। लेकिन प्रधानमंत्री के पास यही सूचना गई कि गुंडे उपद्रव कर रहे हैं गोभक्त नहीं, गोभक्ति के नाम पर। तो हमने एक संकेत किया कि कभी कभी सोचने के लिए बाध्य होना पड़ता है कि हम भारत को स्वतंत्र कहें तो किस दृष्टि से। कहीं कहीं तो अंग्रेजों के शासन काल में भी जिसको अपराध नहीं माना जाता था, स्वतंत्र भारत में उसको अपराध माना जाता है। ये सब समस्या है, इसका समाधान मिलकर करने की आवश्यकता है। और कोई प्रश्न?